जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने ईष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रे की। महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, जोर से जकारा लाइए, बोलो साचे दरबार की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। माता रानी के नाम के जयकारे लगाते रहिए, गुप्त रूप से उपाय करते रहिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करते रहिए। आप मेरे साथ बने हुए हैं, गुप्त नवरात्रों की कितनी वीडियो आपके पास पहुंच चुकी हैं और उम्मीद भी है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ उपाय कर भी रहे होंगे। लेकिन आज का उपाय मैं पूरे नवरात्रों भर आपके साथ बनी रहूंगी, हर दिन मैं आपके लिए एक नया उपाय लेकर आती रहूंगी, बहुत छोटा, बहुत सरल लेकिन बिल्कुल सटीक। कहते हैं गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा कई गुना अधिक फल देती है। तो आज का जो उपाय मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, महा उपाय है, वो इस प्रकार की, जैसे अब आपको बताएं, एक तो महामंत्र, एक महामंत्र महामाई के नाम का अगर आप नवरात्रों में जाप करते हैं या नवरात्रों से प्रारंभ करके आप अपनी डेली लाइफ में अगर उस मंत्र को उतार लेते हैं, प्रतिदिन की पूजा में 5, 7, 11, 21, 51 जितनी बार बोले आप या पूरी एक माला करते हैं तो आपके घर में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार से अगर आप आज जब भी आप किसी भी पूरे 9 दिन के जिस भी समय आप ये वीडियो को देखें उसी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। जितने भी उपाय पीछे भी चले गए, जितने उपाय मैं प्रतिदिन बताऊंगी वो आप किसी भी दिन करें, लेकिन करें जरूर। कहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, महामाई आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। बड़ी सारी देखो परेशानियां होती है जीवन के अंदर कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, किसी ने कर्जा ले लिया वो हमारा कर्जा नहीं दे रहा, या हमारे ऊपर कर्जा है वो नहीं उतर रहा है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में कलेश है, शांति प्रेम बिल्कुल नहीं है। आप ये इतना रिश्तों में, इतनी रिश्तों में कड़वाहट आ गई है कि बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, बच्चे माता पिता से दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अपनी पूजा में अगर इस तरह के मंत्र का जाप हम करते हैं, उसे शामिल करते हैं, तो निश्चित घर में शांति का माहौल बनता है, ग्रह कलेश दूर होते हैं। अब आज का महा उपाय बताती हूँ आपको क्या करना है। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें भगवान शिव की आराधना का बड़ा महत्व है, साथ ही साथ भगवान भैरव की पूजा भी करनी उचित मानी गई है। यदि आप पूरे नवरात्रों में किसी एक दिन भी शिव मंदिर अवश्य जाएं और भैरव बाबा के दर्शन करने तो जरूर ही जाएं। अब आपको करना क्या है, सुबह के 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक और शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी आप ले सके, चाहे आप एक कटोरी में लीजिए, चाहे आप एक डिब्बी में लीजिए, चाहे आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200, 250, आधा किलो, जितना भी आप ले सकें, आपको शहद लेके जाना है और भगवान शिव के मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए वो शहद को धार बांध कर शिवलिंग पर अर्पित करना है। धार बांध कर यानी कि मिठास, आपके जीवन में मिठास घुल रही है, आपके रिश्तों में मिठास घुल रही है, अब लड़ाई झगड़े नहीं होते, अब प्रेम ही प्रेम की वर्षा हो रही है, सास बहू की लड़ाई नहीं, देवरानी जेठानी नंद भाभी दुनिया भर के रिश्तों में हम लोग बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है। देखिए 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते ही हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि बर्तन खड़के तो जरूर, खड़क रहे हैं तो कोई नहीं रोकेगा लेकिन वो एकदम शांत हो जाए। जैसे दूध में उफान आता है ना और पानी का छींटा डालते हैं तो दूध निकलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार ये शहद काम करेगा शिवलिंग पर। पूरे नवरात्रों में आप जब भी इस वीडियो को देखें तब किसी भी दिन इस शहद को आप चढ़ा दीजिए। और अगर ऐसा हो कि नवरात्रों में आप नहीं कर पाए क्योंकि पीरियड में आप ये कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई सूतक पातक लगाए तो ये कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे नवरात्र निकल गए और मैं नहीं कर पाई, तो किसी भी सोमवार को जो मैंने समय बताया है, सुबह 4 से 7, शाम को 4 से 7, भगवान शिव के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर शहद अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए, सोमवार की सोमवार कर दीजिए। ये इतना अद्भुत उपाय है, इतना अद्भुत उपाय है कि रिश्तों में मिठास ना आए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि आपके रिश्तों में प्रेम ना बढ़े। प्रेम बढ़ाना चाहते हैं ना तो शहद का प्रयोग करो। कहते हैं ना वाणी जिसकी मीठी होती है उसकी जल्दी लड़ाई नहीं होती, और एक बात और भी कहते हैं खाओगे मीठा वचन होंगे मीठे, कहते हैं ना, और मीठा जो बोले वो दुनिया को जीते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मीठे होते हैं लेकिन सामने वाला जरूर से ज्यादा कड़वा होता है, और बहुत अधिक कड़वे के ऊपर मिठास लाना एक नामुमकिन काम सा हो जाता है।
तो जो बहुत अधिक कड़वा है, बहुत अधिक तीखा है, उसके ऊपर मिठास का लेप कैसे किया जाए, ये कार्य भगवान भोलेनाथ करेंगे, आप उनके ऊपर शायद। अब मेरे साथ बने रहिए पूरे नवरात्रे भर, आपको एक एक उपाय महा उपाय बताती रहूंगी, और अंत में नवमी का, अष्टमी नवमी का एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताऊंगी जो पूरे नवरात्रों भर नहीं कर पाए वो उसे करेंगे, तो निश्चित धन धान्य की वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। तो एक बार फिर गुप्त नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं, माता रानी का नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। मिलती है एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखेंगे, माता के नाम का जयकारा जरूर लिखेंगे। ईश्वर आपकी मदद करें।